पड़े हैं और मैट्रिक्स में डायगोनल के अलावा सारे मेंबर जीरो, तो मैट्रिक्स हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। और डायगोनल के अलावा सारे मेंबर जीरो और मेंबर एक जैसे हों तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। और ना सिर्फ एक जैसे हों, वन वन हो तो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको कहते हैं। अब इसको मैं आई थ्री कहूँगा। आई थ्री क्यों कहूँगा? तीन रो तीन कॉलम। अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा हो दो रो दो कॉलम का तो आई थ्री। याद रहे कभी किसी मैट्रिक्स को हम उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। अब देखिए ये वाला तो मेरा डायगोनल मैट्रिक्स था। अगर मैं नीचे के एलिमेंट चेंज करूँ तो देखो डायगोनल के ऊपर वाले सेल सारे जीरो। जब डायगोनल के ऊपर वाले जीरो हों तो उसको हम अपर ट्राइंगल कहते हैं। इसी तरह यहाँ मैं कुछ ऐसे तब्दीली कर दूँ, अब डायगोनल के सारे नीचे वाले जीरो हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोअर ट्राइंगल कहते हैं। भाई इन सारे मैट्रिसेस में अगर गौर से देखो तो तीन क्रॉस थी तीन कॉलम। अगर मैट्रिक्स की रॉ और कॉलम इक्वल हों तो उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, लेकिन अगर रॉ और कॉलम इक्वल ना हो तो रेक्टेंगल मैट्रिक्स कहलाता है। जैसा कि अगर मैं ये मैट्रिक्स देखता हूँ सिंपल सा एक, तो मेरे पास ये पहली रॉ दूसरी रॉ, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। अगर मैं मुझसे पूछे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम रॉ की तादाद को मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम की तरह से। दो रॉज हैं तीन कॉलम है, ट्वेंटी थ्री हो जाएगा ये मेरा। ठीक है मेरे भाई, ये ऑर्डर बड़ा इम्पोर्टेंट होता है मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन। अब अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा है मेरे पास तो मुझे पता है एक रॉ है तीन कॉलम है, वन इंटू थ्री का लाएगा इसका ऑर्डर। लेकिन साथ ही साथ इसको एक और नाम दूंगा, ये रॉ मैट्रिक्स का, जिसके अंदर सिर्फ एक रॉ उसे रॉ मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स हो फाइव सिक्स सेवन तो एक कॉलम मैट्रिक्स का लाएगा। या लहजा वाले इसका ऑर्डर थ्री इंटू वन था, ऑर्डर थ्री इंटू वन था। ऑर्डर में हम देखते हैं पहले रॉ बाद में फर्स्ट। अब मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के लिए शर्त क्या होती है? फर्स्ट करें इस मैट्रिक्स को मैं ए का नाम दे देता हूँ, इसको बी का नाम दे देता हूँ। पूछेंगे क्या ए बी की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? पहले ये नंबर ऑफ कॉलम दूसरे की नंबर ऑफ रॉस की कॉलम होना चाहिए। एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम, एक रॉ दो रॉ तीन रॉ हो सकती है। और कोई मुझे कहे क्या बी ए हो सकता है? इसमें एक कॉलम इसमें एक रॉ, ये भी हो सकता है। अगर पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे वाले की रॉस के इक्वल आ रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। जी बिल्कुल। अब अगर आप ये देखें कि इसमें कितने कॉलम है, एक दो तीन, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे हो जाएगी क्योंकि तीन। अगर मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे कराना चाहूँ तो नहीं हो सकती क्योंकि इसमें देखें एक रॉ है इसमें कॉलम तीन है। तो मल्टीप्लिकेशन कब नहीं होगी? जब पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रॉस के इक्वल ना हो। मल्टीप्लिकेशन जब होगी तो कैसे होगी? पहले हमेशा हम लिखेंगे आर वन सी, पहले रॉ को पहले कॉलम से, फिर पहले रॉ को दूसरे कॉलम से, फिर पहले रॉ को तीसरे कॉलम से। यूजली तीन कॉलम तक ही यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। फिर आप उठाएं दूसरे रॉ को पहले कॉलम से, दूसरी रॉ को दूसरे कॉलम से, दूसरी रॉ को तीसरे कॉलम से, फिर ऐसे तीसरी रॉ को उठाएंगे पहले कॉलम से, तीसरी रॉ को दूसरे कॉलम से, तीसरी रॉ को तीसरे कॉलम। ये हमारा तरीक़ेकार होता है मल्टीप्लिकेशन। सिंपल से की पॉइंट है जो मैंने बताया मजीद बताता रहूँगा।